स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी मेथ पॉइंट में। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे मेरे जितने भी न्यू वीडियो उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 इज फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी, वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, उसी में से ये प्रॉपर्टी है कि ए बी का ट्रांसपोज जो होगा किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वेयर ए इक्वल टू 1-4-3 एंड बी मैट्रिक्स गिवन द 1-1। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, तो देखिए वेरीफाई करते हैं इसको सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ए बी मतलब ए मैट्रिक्स का बी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका क्या लेंगे हम ट्रांसपोज लेंगे। पहला एलएचएस स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखिए ए बी का मल्टीप्लाई, देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होता है अपन ऑर्डर चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, देखिए 3 रो है और 1 कॉलम है। ठीक है, इसमें क्या है 1 रो है एंड 3 कॉलम है, 1 रो एंड 3 कॉलम, तो इंट्री वैल्यू जो है इसकी इक्वल है, इट मींस मैट्रिक्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3x3 जो आउटर वैल्यू है, जो एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू बी, ए जो मैट्रिक्स आपके पास 1-4-3 1-4-3 एंड जो बी मैट्रिक्स है 1-2-1। ठीक है, बताइए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मतलब आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, पहले फर्स्ट रो का सभी कॉलम है। ठीक है, तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई -1 फर्स्ट कॉलम में लिख दिया क्योंकि फर्स्ट कॉलम में हो गया। नाउ इसी रो का दूसरे कॉलम में, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में दूसरे कॉलम में लिख दिया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 आ गया, फर्स्ट रो का तीनों कॉलम में हो गया। नाउ सेकेंड रो का स्टार्ट करेंगे तो सेकेंड कॉलम में सेकेंड रो में लिखेंगे -4 का मल्टीप्लाई -1 में +4 -4 -4 का मल्टीप्लाई 2 में -8 -4 का मल्टीप्लाई 1 में -4। ठीक है, नाउ माय थर्ड रो, 3 का मल्टीप्लाई -1 में -3 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6 एंड 3 का मल्टीप्लाई 1 में इज 3। ठीक है, ये आ गया आपका ए बी। नाउ इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो देखिए ए बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज लेना है इट मींस रो को कॉलम में कन्वर्ट करना या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज करना। ठीक है, आप रो और कॉलम आपस में क्या हो जाते हैं इंटरचेंज, तो देखिए ये रो है आपके पास, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं -1 2-1 4-8-4 4-8-4 -3 6-3 दिस इज योर ए बी ट्रांसपोज। नाउ राइट हैंड साइड का जाइए, राइट हैंड साइड क्या है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आ जाना चाहिए। तो बी ट्रांसपोज क्या आपके पास, चलो पहले बी ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो बी ट्रांसपोज आपके पास है, ये जो बी मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, इसका ट्रांसपोज ले लीजिए मतलब इस रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए -1 2-1। ठीक है, नाउ ए ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ये कॉलम है इसको रो में कन्वर्ट कर दीजिए 1-4 और 3। नाउ इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल आ जाना चाहिए, तो देखिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करते हैं हम -1 2-1 का मल्टीप्लाई करना है आपको 1-4 और 3। देखिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, नाउ बताइए इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो 1 कॉलम और इसका 1 रो और 3 कॉलम, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल कर दीजिए। नाउ फर्स्ट रो का तीनों कॉलम, -1 का मल्टीप्लाई 1 में -1 -1 का मल्टीप्लाई -4 में +4 -1 का मल्टीप्लाई 3 में -3। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 2 मल्टीप्लाई 4 इज -8
टू मल्टीप्लाई बाय थ्री इज सिक्स, वन मल्टीप्लाई बाय वन इज वन, वन मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर इज माइनस फोर एंड वन मल्टीप्लाई बाय थ्री इज थ्री। बताइए क्या ए बी का ट्रांसपोज जो आया और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आया वो क्या इक्वल है? माइनस वन फोर माइनस थ्री, माइनस वन फोर माइनस थ्री, टू माइनस सिक्स सिक्स, टू माइनस सिक्स सिक्स, वन माइनस फोर थ्री, वन माइनस फोर थ्री। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो ए बी ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी था। इसका सेकेंड पार्ट आपको ट्राई करिएगा, ठीक है? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सिक्स, फर्स्ट पार्ट। इफ ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स गिवन है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, आपको वेरीफाई करना, वेरीफाई देन ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल्स टू आई, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू क्रॉस टू, क्योंकि मैट्रिक्स किसमें गिवन है आपको? टू क्रॉस टू में। ठीक, आपको क्या करना है? ए ट्रांसपोज लेना है, फिर ए मैट्रिक्स में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और चेक करना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए बहुत इजी है, फर्स्ट पार्ट है आपका सॉल्यूशन। ए मैट्रिक्स क्या आपका? ए इक्वल्स टू कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इन कोस अल्फा। नाउ ए ट्रांसपोज क्या आपके पास? ट्रांसपोज ले लीजिए इस मैट्रिक्स का, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए, तो देखिए कोस अल्फा ये साइन अल्फा यहां आ गया, नो माइनस साइन अल्फा और ये कोस अल्फा। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे? ए ट्रांसपोज इनटू ए करते हैं। ठीक है, तो देखिए कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ए ट्रांसपोज कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा का मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये ए ट्रांसपोज पहले लिखा मैंने, ये ए ट्रांसपोज है, उसके बाद ए लिखना है, ए यहां पे है आपको, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्योंकि ऑर्डर क्या है इसका? टू क्रॉस टू क्रॉस टू। ठीक है, तो देखिए ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू क्या है? फर्स्ट रो का दोनों कॉलम में करेंगे। ठीक है, तो देखिए कोस अल्फा में कोस अल्फा का मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर अल्फा प्लस, अभी कॉलम कंप्लीट नहीं हुआ, कॉलम में बचा हुआ है। ठीक है, माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा में, तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, नाउ फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया, अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में, तो सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, रो वही चली गई। ठीक है, कोस अल्फा का साइन अल्फा में, कोस अल्फा साइन अल्फा, नाउ प्लस माइनस साइन अल्फा का कोस अल्फा में, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, नाउ फर्स्ट रो का दोनों कॉलम हो गए, अब सेकेंड रो का दोनों कॉलम, साइन अल्फा कोस अल्फा में साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस, ठीक है, साइन अल्फा कोस अल्फा में हो गया, कोस अल्फा का माइनस साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा? देखिए माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, नाउ सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में साइन अल्फा का साइन अल्फा में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस अल्फा का कोस अल्फा में कोस स्क्वायर अल्फा। अब बताइए ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल्स टू व्हाट? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के प्लस अल्फा क्या हो जाएगा? वन, टेंथ क्लास की आइडेंटिटी। नाउ कोस अल्फा इनटू साइन अल्फा प्लस में, कोस अल्फा इनटू साइन अल्फा माइनस में, ये आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? जीरो। नाउ साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? एक प्लस का माइनस का जीरो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज वन। नाउ इट मींस व्हाट? ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू व्हाट? आई, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वन जीरो जीरो में क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपका इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आपको ट्राई करेगा, वो भी इजी है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर सेवन, फर्स्ट पार्ट। शो दैट द मैट्रिक्स ए वन माइनस वन फाइव माइनस वन टू वन फाइव वन थ्री इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस कर चुके थे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाए, तो होता है सिमेट्रिक,
और इसकी सिमेट्रिक क्या होता है, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए, माइनस ए के इक्वल आ जाए, तो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका, सॉल्यूशन ए ट्रांसपोज लेते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं अपन। देखिए ट्रांसपोज लेने के बाद क्या होता है, रो वाला मैट्रिक्स बन जाएगी 1 - 1 5 1 - 1 5 - 1 2 1 एंड 5 1 3 5 1 3। ठीक है, अब मुझे ये बताइए ये ए ट्रांसपोज है इक्वल टू क्या, ये ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स देखिए 1 - 1 5 1 - 1 5 - 1 2 1 - 1 2 1 5 1 3 5 1 3। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगर ए आ जाए इट मीन्स व्हाट, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आगे सवाल में सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ऑल द वीडियो आई नोटेड डाउन, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, शो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 0 1 - 1 - 1 0 1 1 - 1 0 इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है आपको। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले और वो मैट्रिक्स किसके इक्वल आ जाए, माइनस ए के इक्वल आ जाए। ठीक है, चेक करते हैं, पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके चेक करते हैं अपन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू व्हाट, ट्रांसपोज ले लीजिए इसका, तो रो कॉलम में इमेज आ जाएंगे 0 1 - 1 0 1 - 1 - 1 0 1 - 1 0 1 1 - 1 0 1 - 1 0। ठीक है, 1 - 1 0। नाउ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अब हम इसमें से क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। देखिए अगर माइनस कॉमन ले तो क्या होता है, ये जीरो तो एजी किस रहेगा, माइनस वन में से माइनस कॉमन किया तो वन बचेगा, यहां से माइनस कॉमन किया तो माइनस हो जाएगा, सिंपल साइन क्या हो जाएगी चेंज, वन क्या हो जाएगा माइनस वन, जीरो एजी किस, माइनस वन क्या हो जाएगा वन, माइनस वन क्या हो जाएगा वन, वन क्या हो जाएगा माइनस वन, तो जीरो एजी किस। अब बताइए क्या ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, देखिए 0 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0 1 1 - 0 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0। हम इसको लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सा है, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव ऑफ ए। हम बोल सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 8 फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 5 6 7, वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट है इसका, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस बार आपको ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ नहीं करना, आप किस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है, ए प्लस ए मैट्रिक्स, ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, पहले आप ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे और चेक करेंगे कि वो इस मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मतलब सिंपल, अगर इस पूरे मैट्रिक्स को मैं क्या मान लू, बी मान लू, तो इस बी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज लेना और चेक करना है कि बी के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो देखिए पहले हम निकालते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालने के लिए फिर आपको ए ट्रांसपोज निकालना होगा। तो देखिए ए ट्रांसपोज क्या होगा, सॉल्यूशन ए ट्रांसपोज हो जाएगा आपके पास 1 5 6 7 1 5 6 7। ठीक है, रो के समय करिए कॉलम में, नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज इट मीन्स ए मैट्रिक्स को ए ट्रांसपोज में प्लस करना है, तो 1 5 6 7 को प्लस कर दीजिए आप किसमें, 1 6 5 7 में, दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे, तो देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। नाउ दिस इज योर ए प्लस ए ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स को आपको प्रूव करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। तो देखिए
प्लस ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज चेक करते हैं अपने, तो क्या आएगा देखिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले रहे हैं, देखिए 2 11 2 11 यहां जाए, ये रो कॉलम कन्वर्ट हो जाएगी, ये रो कॉलम कन्वर्ट होगी 11 14। अब बताइए मुझे ए प्लस ए ट्रांसपोज का हमने ट्रांसपोज लिया तो ये क्या है, ये क्या है 2 11 11 14 2 11 11 14 क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज लिया तो किसकी इक्वल आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज के। आप बोल सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं करना है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको आप मान लीजिए बी, सिंपली इसको पूरे उपकार मान लीजिए, बी मान लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लिया हमने ये, इसको मान लीजिए इसकी प्लेस पे लिख लीजिए बी, नाउ बी का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है आप वो ट्राई करिएगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज प्लीज लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे मेरे जितने भी न्यू वीडियो है उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।